नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। रूस यूक्रेन सीमा पर घटनाक्रम आज बहुत तेजी से बदल रहे हैं। यूक्रेन में रूस ने सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में गुरुवार सुबह धमाके भी सुनाई दिए गए। फिलहाल अमेरिका ने रूस को चेता दिया है और भारत ने इस मामले को शांति से सुलझाने की गुजारिश की है। किस तरह की फिलहाल परिस्थितियां बनी हुई है, जरा इस पर ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। जिसका संदेह था वही हुआ। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग की शुरुआत कर दी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद यूक्रेन में कई जगह धमाके सुनाई दिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला होने की जानकारी मिली। पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का ऐलान करते हुए धमकी भी दी कि कोई इस मामले में दखल ना दे, वरना अंजाम बुरा होगा। वहीं भारत रूस यूक्रेन विवाद को लेकर चिंतित। भारत अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं इस विवाद से जुड़े 10 बड़े घटनाक्रम। सोमवार देर शाम रूस ने यूक्रेन के दो प्रांतों लुहांस्क डोनेस्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। इस बात का ऐलान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के संबोधन के दौरान किया। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में रूस का कहना था कि हमारी तरफ से इस मसले के डिप्लोमेटिक हल के रास्ते खुले हैं। हालांकि हमारा डोनबास इलाके में किसी तरह का खूनी संघर्ष करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन इस मामले में अमेरिका की लीडरशिप में पश्चिमी देशों की नेगेटिव रोल ने हमें मजबूर कर दिया। मंगलवार को रूस की संसद ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी जिसमें पुतिन देश के बाहर भी सेना का इस्तेमाल कर सकते थे। रूस यूक्रेन के बीच बात इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी कि पिछले हफ्ते शनिवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में रूस ने अब तक की अपने सबसे बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल का अभ्यास शुरू कर दिया। भारत ने यूएन में संकट पर प्रतिक्रिया देते हुए यूएन सुरक्षा परिषद में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि हमें खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस तनाव को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से उचित कदम समय रहते नहीं उठाए गए हैं, जिस वजह से हम उस दिशा की ओर बढ़ गए हैं जिधर हमें नहीं बढ़ना था। रूस और यूक्रेन के विवाद की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में रूसी हमले का खतरा है क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादियों ने रूस से सहायता मांगी। बुधवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूस के हमले का अंदेशा जताया था। जेलेंस्की ने कहा था कि किसी भी वक्त रूस उनके देश पर हमला कर सकता है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने रूस के राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मेरी अपील है कि मानवता के लिए वो अपने सैनिकों को तुरंत वापस कर लें। ये विवाद तुरंत खत्म होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इस युद्ध में होने वाले नुकसान और मौतों के लिए सिर्फ और सिर्फ रूस जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि यूएस सहयोगी इसका उचित और निर्णायक तरीके से जवाब देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों, यूएन, नाटो और अन्य को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर कोई बाहरी खतरा होता है तो उसका फौरन जवाब दिया जाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया। रूसी सेनाओं ने जंग के ऐलान के साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद 11 शहरों पर हमला कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग की तस्वीरें सामने आने लगी। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के खाली इलाकों में बमबारी की और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन के एक एयरबेस और सेना के अड्डों को तबाह करने का रूस दावा कर रहा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों से बमबारी के बाद की तबाही की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने 5 रूसी जंगी जहाज मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन की राजधानी कीव के हवाई अड्डे को खाली करा दिया गया। यूक्रेन से आने वाली खबरें बता रही है कि समझौते के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री कीव और खारकीव में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की पुष्टि करते हुए नजर आए। कीव हवाई अड्डे को खाली करा लिया गया है। यूक्रेन ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली है। यूक्रेन की सरकार लड़ने और जीतने का दावा कर रही है। अब देखना होगा इस विवाद का समाधान कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
जी हाँ, प्रचंड युद्ध का आरंभ हो गया है और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों का जल्दी से आपसे तारुफ करवा दो। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ है, बहुत स्वागत है सर आपका। जितेंद्र कुमार ओझा हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ यूक्रेन से भारतीय छात्र अनमोल मीरा भी जुड़ चुके हैं। अनमोल, शुरुआत आप ही से, समझा जा सकता है वहां यूक्रेन के 11 शहरों पर हमले के बाद किस तरह का दहशत का माहौल होगा? सबसे पहले बताएं आपके आसपास किस तरह की स्थिति है, मदद के लिए आपने क्या किसी से गुहार लगाई है और क्या मदद मिल पा रही है? जी हाँ मैम, हमारे यहाँ तो अभी सिचुएशन काफी कंट्रोल है। मैं यहाँ पे जैसे चर्निवित्सी में हूँ, तो चर्निवित्सी तो पूरा हमारे वेस्ट साइड में आता है यूक्रेन के, तो यहाँ तो कंडीशन काफी अंडर कंट्रोल है। और अभी एम्बेसी उस पे काम कर रही है, एम्बेसी ने भी बोला है कि मतलब पासपोर्ट्स रेडी रखने को, कैश रेडी रखने को, और जैसे ही कुछ अरेंजमेंट होते हैं वो हमें जल्दी से जल्दी बताएंगे, जल्दी से जल्दी हमें सूचित करेंगे। ऐसे में जहां पर ये हमले हुए हैं वहां आपके कुछ छात्रों से बात हो पाई हो या आप उनके कॉन्टेक्ट में रहे हो, वहां पर किस तरह की स्थिति है, क्या उन तक मदद पहुंच रही है, किस तरह के हालात बने हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी? एम्बेसी मैम लगातार हमें एडवाइजरी जारी कर रही है कि पैनिक ना हो। सिचुएशन मैम यही है कि बच्चे ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, पेरेंट्स ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। कहीं कहीं बॉम्ब ब्लास्ट के भी न्यूज आए हैं। ज्यादातर फेक न्यूज भी काफी फैल रही है कि मतलब हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो गया ऐसा कुछ। बट बात ये कि पैनिक नहीं होना है, पैनिक वाली सिचुएशन ज्यादा क्रिएट नहीं करनी है। और एडवाइजरी वो कंटिन्यू जारी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी और हमें मतलब सही सलामत निकाला जाएगा। टच में है, लगातार इंस्ट्रक्शंस वहां से आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। चलिए ठीक है अनमोल, और बोलिए बोलिए। और ये भी कॉन्टेक्ट में है कि जैसे बगल में रोमानिया है, तो हमारा ये भी अरेंजमेंट हो रहा है कि हम बगल के कंट्री में शिफ्ट हो जाएं और वहां से फिर कोई ऐसी सुविधा वो उपलब्ध कराएं। यानी कि आप वापस हिंदुस्तान आना चाह रहे हैं इससे पहले कि स्थिति और ज्यादा खराब हो जाए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलिए ठीक है अनमोल, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अनुज माथुर जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा जी भी जुड़े हुए हैं। ओझा जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, माथुर जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। फिर जिस तरह से ये युद्ध का आरंभ हो गया है, जिस तरह से वहां पर हमले बोले जा रहे हैं रशिया की तरफ से, दहशत का माहौल बना हुआ है, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? हालांकि कुछ हिस्से जहां पर स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन कुछ हिस्से जहां मामला हाथ से बाहर निकलता जा रहा है, लंबी लंबी लाइनें कीव में हमने देखी, कैसे लोग शहर से किसी भी तरह से बाहर जाकर अपनी जान बचाना चाह रहे हैं कि इससे पहले दूसरा अटैक बढ़ जाए। भावना या उसका निश्चित होना, अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने काफी पहले कह दिया, एंथनी ब्लिंकन साहब ने कह दिया था, पूरे न्यूज में था कि रूस जो है तैयारी कर रहा है हमले की। और ये जो हमला है इसकी तैयारी कुछ दिनों में नहीं हुई है, काफी दिनों से इसकी तैयारी रही है। कि रूस के लोग बहुत स्वाभिमानी है और जिस तरीके से सोवियत संघ का टूटना हुआ उसका जो एक बहुत ज्यादा इसकी मजबूत भावना लोगों में रही। रूस के लोगों से जब भी कभी बात होती थी मेरी, तो वो बहुत स्पष्ट था कि एक जीतना है, लेकिन इन तमाम क्षेत्रों को लेना है। और आप देखिए कि पुतिन साहब ने अपने भाषण में भी कहा कि यूक्रेन का कोई हिस्ट्री नहीं रहा, जो कम्युनिस्ट पार्टी रही उस पार्टी ने आर्टिफिशियली एक स्टेट उसका एक यूनिट बना दिया था, लेकिन ये एक वाइकिंग्स का एरिया रहा। तो देखिए, और जब नेटो का जो है इंगेजमेंट बढ़ती है यूक्रेन से, तो निश्चित रूप से इन लोगों के कंसर्न बढ़ रहे थे कि ठीक हम बैकयार्ड में ये आ रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका में लोग इस बात को लेकर चिंतित नहीं है थे, वो हमेशा से चिंतित रहे हैं। जब भी मेरी कुछ रिटायर्ड जनरल से या उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोगों से बातचीत होती थी, तो उनका कहना था कि ये तरीका ठीक नहीं है, अमेरिका को इंगेज करना चाहिए था, रशिया में पुश करना चाहिए था, लेकिन एक कॉन्फ्रंटेशनल तरीके से नहीं, अपने डेमोक्रेसी में सुधार लाने की जरूरत थी। तो ऐसा तबका अमरीका के सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट में या इन अमरीका के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में हमेशा से रहा है। तो देखिए ये अब सिचुएशन जा रही है, और मैं सोचता हूँ भारतीय होने के नाते मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में रूस और अमेरिका दोनों अपना अपना थोड़ा नुकसान करते हैं, और उनका नुकसान अगर होता है वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आते हैं तो पूरा इक्विलिब्रियम जो है चीन के फेवर में जाएगा। चीन की आदत रही है हमेशा से प्रॉक्सी वॉर लड़ने की, तो उसने वो रूस को इंकरेज कर रहा है, और इसका नतीजा ये चीन का वर्चस्व यहाँ बढ़ेगा। और अमेरिका को रूस के जरिए ही एक सबक सिखाना चाहता है
एशिया रीजन से और यूक्रेन पर रूस की तरफ से ताबड़तोड़ इन हमलों के बाद नाटो की तरफ से भी एक आपात बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही है, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है ओझा जी? देखिए, यूरोप में एक बहुत मजबूत एंटी वॉर लॉबी आ चुकी है जो कभी मौत चाहती नहीं है। हाँ। और ये इसके लिए जिसका एग्जिस्टेंशियल इंटरेस्ट है वो स्टेक पे नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से यूक्रेन को अबैंडन भी नहीं कर सकते हैं। अगर यूक्रेन को पूरी तरीके से अबैंडन करते हैं तो नेटो की या अमेरिका की या इनकी जो भी अभी वर्चस्व बनी है उसकी क्रेडिबिलिटी खतरे में आ जाएगी। तो कुछ तो सपोर्ट को जरूर करेंगे, लेकिन डायरेक्ट जो है अमेरिका और रूस का कॉन्फ्लिक्ट या अमेरिका या रूस का वॉर थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन लॉजिस्टिक्स या किसी तरीके से उनका सपोर्ट तो जरूर होगा, पूरी तरीके से वो अबैंडन नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और देखिए, वॉर में कई दफे होता है क्या है कि एक्चुअल वॉर से पहले जो परसेप्शन का वॉर होता है, जो साइकोलॉजिकल है वॉर का, वो बहुत है। तो उसमें जो है दोनों एक डिवाइस निकालने की कोशिश करेंगे कि फेस से भी डिवाइस निकाले, डैमेजेस को कंटेन करें, लेकिन प्यूटिन डिटरमाइंड है और चाइना की पूरी बैकिंग है उनके साथ। अनुज माथुर जी, आप क्या कहेंगे सर, मामला वहां पर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, दहशत का माहौल कायम है, मिसाइल अटैक्स वहां पर किए जा रहे हैं यूक्रेन पर रशिया की तरफ से, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, मदद की गुहार भी लगाई जा रही है पीएम मोदी से, भारत से, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या इसे रोका जा सकता था? देखिए, एक तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपकी अनमोल से जो बात हुई है वो मैं सुन नहीं पाया जी। तो वो मेरे को थोड़ा सा मैं आपको बताना था। हाँ। दूसरा, मैं जो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल साधारण सा बिल्कुल प्रश्न है, सीधा सीधा, कि जो रशिया ने अभी तक किया है इसका सबको मालूम था। आप देखें, बेलारूस से लेकर क्रिमिया तक उन्होंने यूक्रेन को तीन तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से घेर रखा था। ब्लैक सी में उन्होंने अपने नेवल एसेट्स डिप्लॉय कर रखे थे, 1.5 लाख से ज्यादा उनकी जो आर्म फोर्सेस हैं वो वहां पर डिप्लॉयड थी। और ये साफ नजर आ रहा था कि ये उनका दे मीन बिजनेस। अब आपको मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं कि जब भी युद्ध होता है, युद्ध होने में युद्ध उनकी दो तीन तरीके की बातें होती हैं। अभी मेरे हिसाब से फिजिकल इन्वेजन जो है यूक्रेन का वो अभी तक नहीं हुआ है। फिजिकल इन्वेजन तब होगा जब उनकी थल सेनाएं यूक्रेन के अंदर प्रवेश करेंगी और वो उससे हमला करेंगी जी। आप ये देख लें कि जितने भी हमले हुए हैं 10-11 सिटीज में, वो तमाम हमले या तो मिसाइल से हुए हैं, एयर अटैक उन्होंने करने की कोशिश करी है और इस प्रकार से उन्होंने वहां पर ये अपनी असर्ट किया है अपने आप को उस पर जाकर के। हाँ। वो रूस पिछले कई दिनों से कहता आ रहा था, और ये उनके पुराना तरीका है कि वो कहते हैं कि भाई मैंने आपको वार्निंग दी थी और वार्निंग में मैंने आपको बताया था कि हम ये करने वाले हैं और ये उन्होंने करके दिखाया है। जैसा कि वो ओझा जी बोल रहे थे, वो बिल्कुल कल मैंने यही बात आपको आपके चैनल में बताई थी कि इस चीज का जो मेन एडवांटेज जिसको मिल रहा है, जो विनर बन के निकल के आएगा, वो है चीन। क्योंकि चाइना चाहता था कि जो अमेरिकन एसर्शन साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक रीजन में हो रहा है उसको थोड़ा पुल करना पड़े, और यानी कि रशिया और चाइना चाह रहे हैं कि चाइना पर्दे के पीछे से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है और उसमें कामयाब भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इसमें शक इसमें नहीं है। हाँ। ये दो प्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे हैं, यूक्रेन और रूस। हाँ। नाटो और हाँ। जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो दिखाई दे रही हैं। हाँ। वो लड़ाई कर रहे हैं यूक्रेन और रूस, दिखाई दे रहे हैं नाटो और अमेरिका। और असल में पर्दे के पीछे जो असली विलन है, जो कि हवा दे रहा है इसको, क्योंकि वो हवा इसलिए देना चाहता है चीन रशिया को, क्योंकि अब आप देखिए एक्शन क्या होगा। एक्शन आप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस का कहां असर आपको होता नजर आ रहा है? इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान पे पिछले पता नहीं कितने समय से लगे हुए हैं, और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, नॉर्थ कोरिया भी यही काम कर रहा है। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस का कितना किस पे असर होता है यह हम सबको पता है। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस अब और लगाए जाएंगे वो उससे रूस को कितना नुकसान होगा, और चीन में अपना आउटलेट ढूंढने के बाद उस नुकसान की कितनी भरपाई हो जाएगी, ये सारी कैलकुलेशन पुतिन महाराज करके बैठे हैं। हाँ। पुतिन जो हैं उनकी पर्सनल महत्वाकांक्षा। हाँ। और जो लॉस्ट
उनका कहना है जो कि कहते हैं हमेशा लॉस्ट सोवियत ग्लोरी, हाँ। वो चाहते हैं कि जितना सोवियत संघ इनके हाथ से निकल गया है वो तमाम उसके ऊपर, तो रशिया को असर्ट करना चाहते हैं, हाँ। पिछले 22 साल से वो रूस पे राज कर रहे हैं और 22 साल में उन्होंने रूस को इकोनॉमिकली मिलिटरीली स्ट्रेटेजिकली कंसोलिडेट किया है, लेकिन अब वो इसी ओझा जी, ये कंसोलिडेट करके रखा है की मदद करने के लिए कोई सामने आएगा, क्योंकि यूक्रेन ने मोदी से भी मदद मांगी है, कहा है कि आपका रसूख है जरा रूस से बात करें, 50 रूसी सैनिक और 9 यूक्रेनियों के मारे जाने का भी दावा साथ में किया गया है, लग रहा है मदद तो मांगी गई है लेकिन क्या कोई मदद करता दिखाई देगा, किस तरह के आपको सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपने मेरे से पूछा ओझा जी, जितेंद्र कुमार ओझा जी, तो मैंने कहा 4-5 दिन पहले भी एक दूसरे चैनल पे कहा था कि हमारा सबसे अधिक ठीक है, देखिए अगर अमेरिका यहाँ से विड्रॉ कर जाता है या नेटो का वर्चस्व इस रीजन से खत्म हो जाता है और रूस की हेजेमनी बढ़ जाती है तो उसका सबसे अधिक किसी पे असर पड़ता है तो वह भारत पे पड़ता है। तो अगर उन्होंने मदद मांगी है तो भारत को डायरेक्टली नहीं, क्योंकि भाई डायरेक्टली इस किस्म के मुद्दे में हम नहीं उलझ सकते हैं, हाँ। और ये बात ही क्लियर है कि देखिए आज जो है पुतिन साहब को मजबूर करने का काम भी जो है अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, उनको इतने बुरी तरीके से कॉर्नर कर दिया था और इस तरीके से उनको मार्जिनलाइज कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका के रिटायर्ड जनरल्स जो है वो कह रहे हैं, जो सीनियर जनरल रिटायर्ड है वहां के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। तो देखिए ऐसे में भारत के हित में है, मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि बैक रूम नेगोशिएशन के लिए आप बात करें रूस से भी, बात करें नेटो से भी, एक कॉमन ग्राउंड ले। और जैसा जन कहा कि ये जो है नौबत नहीं आए कि जो आर्मी जो है उनकी फुट प्रेजेंस बढ़े, वो उनकी सीमाओं में जाए, इसको इन किया जाए, तो मुझे लगता है कि सबसे अधिक भारत को इसमें बैक रूम से ही सही नेगोशिएशन में काम जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि अनमोल मीरा जैसे न जाने कितने कितने छात्र वहां पर अभी फंसे हुए हैं, दहशत के माहौल में हैं, उन्हें और उनके पेरेंट्स को चिंता सता रही है कि न जाने अगले ही पल उनके बच्चों के साथ वहां यूक्रेन में क्या से क्या हो जाए। तो कम से कम यूक्रेन से बात करते हुए या रशिया से बात करते हुए इन छात्रों को किस तरह से सेव किया जा सके या वहां से बाहर निकाला जा सके, इस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है, हम लोग डेमोक्रेसी हैं, हाँ। तो इसमें हमें सेंसिटिव होना ही होना है क्योंकि इसमें पब्लिक ओपिनियन इन्वॉल्व है, हमारे नागरिक हैं और है। पिछले सालों में हमने देखा है और जो है हमेशा इसकी जो मुस्तैदी है जिस चुस्ती के साथ वो अपने नागरिकों को बचाने का काम कर रही है, बड़ा स्पेशलिस्ट एरिया है और इसमें एम्पैथी की भी जरूरत है जो दोनों ने चाही है। तो ये जो है ख्याल से बात होनी चाहिए, लेकिन इसको लेके बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार के इसमें ऑलरेडी नजर में है, वो करेंगे करेंगे। अभी हमारा देखा जाए कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट इसी में है, जो आपने कहा कि बातचीत हो रही है वो ऑलरेडी हो रही होगी, ऐसी बात नहीं है कि वो हमारा इंतजार करेंगे कहने का। काफी दोनों तरफ से बहुत ही खास करके मैंने कहा कि जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं उनकी बहुत ज्यादा गुडविल है, मॉस्को में भी बहुत ज्यादा गुडविल है उनकी, वॉशिंगटन में भी, और वॉशिंगटन के जो थिंक टैंक के लोग हैं उनसे कई दफे मैंने सुना है ये कहते कि देखिए भारत की जो रिलेशनशिप रशिया के साथ है उसको इस्तेमाल करना चाहिए और अमेरिका को भी इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए कि भारत का संबंध रशिया से बहुत पुराना है, तो एक उसका लिहाज किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, होगा क्या क्या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ अनमोल मीरा, भारतीय छात्र जो यूक्रेन में है मौजूद, लगातार जुड़े हुए हैं। अनमोल, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे, भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए और किस तरह की मदद की आप जैसे तमाम छात्रों को वहां दरकार है? मैम इतना ही है कि ज्यादा पैनिक नहीं होना है और एम्बेसी पे तो हमें मतलब भरोसा, एम्बेसी बार बार हम पे भरोसा दिला रही है कि मतलब वो हमें कोई ना कोई सुविधा जरूर उपलब्ध कराएगी, हाँ। और पेरेंट्स लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा पैनिक ना हो, यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन उतना भी ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को कुछ नहीं होगा, इतना हमारी यूनिवर्सिटी भी हमें भरोसा दिला रही है और एम्बेसी तो बार बार एडवाइजरी जारी कर रही है, हाँ। कि पैनिक ना हो, वो जरूर हमें कोई ना कोई सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो अनमोल, आप अभी वहां पर इंतजार करना चाहते हैं या तुरंत यहां से बाहर निकलकर हिंदुस्तान वापस लौटना चाहते हैं? मैम तुरंत आना चाहते हैं, हमारी टिकट्स थी बट उन्होंने एयरपोर्ट पे आज सुबह ही हमें न्यूज मिली कि वहां पे फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, हाँ। तो पैनिकिंग तो ज्यादा हो गई है, हाँ। पेरेंट्स ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, बट हम जल्द से जल्द
भारत वापस आना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि जहां पर आप इस समय मौजूद हैं वहां पर स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन वो कब तक कंट्रोल में रहेगी कोई नहीं कहा जा सकता है। कब हमला कर दिया जाए रशिया की तरफ से कोई नहीं जान सकता है। जाते जाते अनुज बाथुर जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस समय? बाकी में जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनकी भी चिंता सता रही है, इसके अलावा यूक्रेन के जो मासूम लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी भी चिंता सता रही है, मदद की भी डिमांड यहाँ पर की जा रही है, लेकिन क्या होता हुआ नजर आ रहा है सर? देखिए ऐसा है, मेरे को, मैं आपको ये बताऊं कि जो अभी इन्वेजन मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इन्वेजन हुआ नहीं है, इन्वेजन जब होगा तब उसको देखा जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि रूस को एग्जैक्टली पता है कि कब तक कितना एक्सेलरेटर पे पैर रखना है, कितना दबाव डालना है, कितना उस पर गोला बारूद गिराना है और किस प्रकार से उसको इस चीज को अपनी तरफ करना है। एक बात निश्चित है कि रूस जो है किसी भी कीमत पे यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनने नहीं देगा। ये उसकी बिल्कुल क्लियर कट उसके उसका सोच विचार है। जहां तक प्रश्न भारत का है, हाँ। मैं ये बताऊंगा कि दो तरीके का आपको फॉलोआउट है। एक डायरेक्ट कोलेटरल डैमेज है जो कि हमारे लोगों को वहां पर हो रहा है, और दूसरा जो कोलेटरल डैमेज है वो बिकॉज इस युद्ध की वजह से या इस युद्ध जैसे हालातों की वजह से, हाँ। आप देखें पूरे विश्व की इकोनॉमी, जो कि कल मैंने कहा था कि जो कि बड़ी मुश्किल से कोविड के 2-2.5 साल से उभरने का प्रयास कर रही थी, उस पर डायरेक्ट असर हुआ है। आप पूरे दुनिया के बाजारों को देख लें, बिल्कुल लुढ़क गए। तो ये जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट है पूरी दुनिया में, भारत उसमें शामिल है, हाँ। उसको हमें देखने की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। हमारा ठीक है, जितेंद्र कुमार ओझा जी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे रशिया एग्जैक्टली चाहता क्या है और रशिया ने ये जो जंग छेड़ दिया है ये कैसे रुकेगी, ये युद्ध कैसे रुकेगा? देखिए रशिया का मैंने कहा कि एक प्रोजेक्शन चाहता है कि इस दुनिया में, वो भी रेलेवेंट है, नंबर वन पुतिन साहब का अपना एक पर्सनल एजेंडा है कि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता, उनकी पॉपुलरिटी रशिया में रहे। वो नेशनल प्राइड को वो इन्वोक करना चाहते हैं या स्टोक करना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, हाँ। और तीसरी बात वो ये चाहते हैं कि वेस्ट जो है उनका जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस है, हाँ। उसको रिकग्नाइज करे। तो इमीडिएट में तो रशिया का वही इंटरेस्ट है, लेकिन जो जनरल साहब ने कहा मुझे भी पता है कि कहाँ पे जो रशिया रुकेगा, हाँ। रशिया को पता है कि लॉन्ग टर्म में चाइना के साथ उसके डिफरेंसेस होने ही होने हैं, और एक पॉइंट से अधिक वो इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर वो एग्जैसिबेट करता है, हाँ। तो रशिया एक बहुत बड़ा एम्पायर रहा है, हमेशा से एक बहुत बड़ा पावर रहा है, तो अगर वो एक पॉइंट से अधिक करता है तो उस वॉर ऑफ अट्रिशन में रशिया का भी नुकसान होगा, अमेरिका का नुकसान होगा, दुनिया का नुकसान होगा, और वो नुकसान कोई नहीं झेल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक पॉइंट तक तो ये कॉन्फ्लिक्ट जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, और इस रास्ते के निकलने में भारत का योगदान। उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल तो उम्मीद इसी बात की कि ये जो युद्ध जिसकी शुरुआत हो गई है ये जल्द से जल्द खत्म हो सके, किसी न किसी समाधान पर आया जा सके, क्योंकि इससे जो नुकसान पहुंच रहा है वो सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।